सो हाय गाइस, ऑन दिस साइड कैसे हो आप सब लोग। और आप सभी का स्वागत है इस व्लॉग में। और लास्ट व्लॉग था जो वो बहुत ही अच्छा गया था, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए इस व्लॉग पे और इस चैनल पे। तो आज का व्लॉग काफी स्पेशल है, कुछ अनबॉक्सिंग रहेगा। फर्स्ट व्लॉग है मेरा जहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ आपको, और ये अनबॉक्सिंग मैं ऑफिस में भी कर सकता था, लेकिन काम इतना था कि वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाया। लेकिन जस्ट मैं 10 o'clock को घर पे आ चुका हूँ और मैंने डिनर कंप्लीट किया है, और अब मैं जो दिवाली गिफ्ट मिले हुए मुझे कंपनी की तरफ से, सो वो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। मैंने अभी तक देखा नहीं है, बहुत भारी बैग लग रहा था मुझे, और पता नहीं है मुझे अंदर क्या है और ये बैग कैसी है। सो मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअली हम लोगों को कैसी बैग मिली हुई है, कैसी गिफ्ट मिली हुई है, और बैग के अंदर भी कुछ है वो भी मैं दिखाता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। दिन मैंने पहना था आज के दिन में, तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। बिकॉज फोटो मैंने खींचा नहीं है, काम में बिजी था ना। गिफ्ट में दिखाता हूँ गिफ्ट कैसे मिला हुआ है ना। ये गिफ्ट है जो दिवाली के तौर पर मिला हुआ है ना, बहुत भारी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है भाई और क्या है अंदर। काफी हैवी लग रहा है, दिखने में अच्छा है, कूल है। ये कलर मुझे वैसे भी पसंद है और शूज भी मैच हो रहे हैं, तो अच्छा है। लोगो है यहाँ पे, पेट का नाम है हमारा, बहुत अच्छा है। मतलब जो पॉकेट है, मेरी हर एक चीज इसमें आ जाएगी मैम, बिकॉज ब्लॉगिंग का मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ पे भी एक पॉकेट है, यहाँ पे भी एक पॉकेट है, तीन पॉकेट तो इसमें। मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे कुछ हैंड्स भी रखना है या फिर और कुछ चीज़ें रखनी है, तो 5-6 पॉकेट तो इसमें आ गए एक ही में। 6, ये 7, ये भी एक पॉकेट है। काफ़ी अच्छा है इसमें। मैं अगर ट्रैवलिंग करता हूँ तो अगर रेलवे का पास है या फिर बस का पास होगा तो मैं रख सकता हूँ इसमें। सो दैट इज़ वेल एंड गुड। और अंदर देखते क्या है, कुछ है स्पेशल, कुछ बॉक्स जैसा लग रहा है मुझे। अभी क्या है वो पता नहीं है मुझे, मेरे लिए भी सरप्राइज है। सो ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है, क्या दिया हुआ है। सो ये अच्छा है, एक अगर लैपटॉप मुझे लेके जाना है तो ये एक सेफ्टी फीचर है मेरे लिए। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि लैपटॉप कहीं ना कहीं अटक जाता है या फिर कहीं पे टकरा गया तो क्रैक आ सकता है, तो ये काफी अच्छा है यार। यहाँ पर स्पंज टाइप है, बहुत अच्छा है, यूज कर सकते हैं। अभी मेन बॉक्स की बात करते हैं कि क्या है। तो ये भी है एक, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है बॉक्स देख के कि कुछ तो होगा, गोल्ड चांदी, मतलब बॉक्स उस टाइप का है जैसे ज्वेलर्स यूज करते हैं। सो देखते हैं अंदर क्या है, कुछ लग रहा है अंदर वैसे। खास बॉक्स काफी पता नहीं है, ओपन करते हैं कि क्या है अंदर। कुछ खाने का लग रहा है, लेकिन ये काफी अच्छा है। अब देख रहे हैं काफी अच्छा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुझे ये देख के गोवा की याद आ गई। बिकॉज गोवा में मसाला काजू मैंने खाए थे लास्ट 3 साल पहले, 2 साल से 3 साल पहले, और अभी मैं जस्ट मसाला काजू देख रहा हूँ। तो
टेस्ट करूंगा तो मुझे गोवा की याद आ जाएगी। गोवा गया नहीं हूँ मैं 3 साल से, जाना था फिर कोविड आ गया। तो ये मसाला का जो बहुत बेस्ट है। और कुछ हलवा टाइप है, अंजीर का होगा। और एक विशेष है पेट पूजा की तरफ से, सो डियर पेट पूजा फैम, वी विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली। एंड अपूर्व एंड पार्थिव सर, जो कि फाउंडर एंड को फाउंडर, मतलब फाउंडर ये दोनों पेट पूजा फैमिली के, सो काफ़ी अच्छा है। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो काफ़ी अच्छा गिफ्ट, मुझे बहुत मज़ा आया।